एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आर, जिसका रेडियस है आर, यहां से इसका रेडियस है आर। ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स ए पार्टिकल प्लेस एट 3R फ्रॉम द सेंटर, यहां से कितना डिस्टेंस है 3R, ये हो गया यहां तक R, R और यहां 2R, इसका मास m है, इसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। कितना फोर्स है, तो F1 फोर्स है ना, यानी पूरा F1 क्या है, F1 पूरे स्फीयर की वजह से है। तो F1 भाई हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा भाई g, है ना, इसका मास टोटल मास कितना मान ले, इसका मास पूरे स्फीयर का मास जो है ना, जब ये होल नहीं है तब का बात किया जा रहा है, उसका मास क्या मान लेते हैं m, जाएगा जी एम इंटू इसका मास स्मॉल m डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर से 3R, तो 3R का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा जी एम स्मॉल m बाई 9R स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है कि नाउ स्फीयर कैविटी ऑफ रेडियस R बाई 2, है ना, R बाई 2, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है R बाई 2 इसका है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ना, इज मेड इन द स्फीयर ए कैविटी, यानी इतना मास को निकाल दिया गया है ना, तो एंड द फोर्स बिकम्स F2। अब जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर कितना लगा रहा है F2 लगा रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा, F1 तो आसान था कि पूरे अगर पूरे स्फीयर है तो मास हम ऐसा निकाल दिए, है ना, अब यहाँ से स्फीयर निकल चुका है तो अब फोर्स कितना लगाएगा, तो कितना निकालेगा, पहले पूरे की वजह से तो मालूम है कितना लगाएगा, अब इसकी वजह से जितना लगाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसके वजह से हो ये जो स्फीयर है रिमूव्ड मास की वजह से इसका मास कितना होगा, पहले तो इसका मास निकालना होगा, ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा, इसका मास जब मान लेते हैं कि जब वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर, रेडियस आर क्यूब रेडियस है, तो इसका मास क्या माने हैं एम, यूनिट मास का मास हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर बाई 2 का होल क्यूब, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, ये पूरा पूरा कट गया, अब इसका मास हो जाएगा m बाई 8, ठीक है, यानी इसका जो मास है कितना होगा m बाई 8 इंटरनल मास, ठीक है, तो जो है इसके जो मास रिमूव हो चुका है उसके वजह से फोर्स कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड मास, रिमूव्ड मास की वजह से है ना फोर्स कितना होगा, उसको लोग मान लेते हैं f डैस बोल देते हैं, कितना होगा g भाई, इसका मास कितना है m बाई 8, इसका मास कितना है स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 2R प्लस सेंटर से कितना है R बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 2R प्लस R बाई 2, यानी ये हो जाएगा 5R बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा जी एम स्मॉल m बाई 8 इंटू 25 R स्क्वायर बाई 4, है ना, 4×8 मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 25×50 आर स्क्वायर, ये हो गया ये रिमूव मास की वजह से, तो रिमेनिंग है ना उसकी वजह से कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग मास है ना, क्या है वही F2 है, है ना, क्योंकि बोल रखा है कि नाउ स्फीयर ऑफ कैविटी ऑफ रेडियस R बाई 2 इज मेड इन द स्फीयर, है ना, द फोर्स बिकम्स F2, जब इसको निकाल दिए तो फोर्स कितना हो गया F2, है ना, तो अब इसका तब इसको निकालने के बाद रिमेनिंग मास है उसकी वजह से फोर्स कितना है F2, जो कितना आएगा पूरे की वजह से फोर्स ड्यू टू जो रिमूव कर चुके हैं उसकी वजह से फोर्स को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा F1 माइनस, है ना, F1 पूरे की वजह से कितना है F1 माइनस निकाला गया उसकी वजह से कितना है F डैश, तो कितना होगा, अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं सॉल्व करने जा रहे हैं, F1 कितना है, F1 है कैपिटल जी दिस डिवाइड बाय 9R स्क्वायर, और ये किस कितना है जी एम एस मोलम बाय 50R स्क्वायर, अब यहाँ से जी एम एस मोलम बाहर निकाले, R स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया जाए तो 1/9 माइनस 1/50 हो जाएगा, है ना, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 9 यानी 41 डिवाइड बाई 450, ये हो जाएगा F2 आ चुका है, चाहिए क्या था मेरे को F1/F2, तो F1/F2 कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं F1/F2, F1 कितना है वहाँ पे जी एम स्मॉल एम बाई 9R स्क्वायर, है ना, अब इसकी वजह से कितना है जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू 41/450, है ना, अब सोल्व करते हैं, ये कट गया,
है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है ना, 450 ऊपर चला गया, नीचे कितना हो गया 41 × 9, ये हो जाएगा 50, तो आंसर आ जाएगा 50:41, दिस इज राइट आंसर। ये यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 50:41, दिस इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्लियर होगा।